वेज कुकिंग विद अनु में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्प्राउट्स की बहुत ही मजेदार चाट, जिसे खाने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा। स्प्राउट्स यानी कि अंकुरित। तो हमें बीज, अनाज, फली, किसी भी चीज को कैसे अंकुरित किया जाता है ये लगभग सभी लोगों को पता होगा, और जिन्हें नहीं पता है तो मेरा एक और स्प्राउट चाट का वीडियो है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, या उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि आप बीजों को कैसे अंकुरित कर सकते हैं। स्प्राउट्स के अनगिनत फायदे हैं, तो इसे हमें लगभग रोजाना अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर ये स्प्राउट चाट की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर कर दें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए ये सुपर टेस्टी स्प्राउट चाट बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने गैस पे रखा है एक पैन, और उसमें मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 कप अंकुरित चने। बिना तेल घी डाले इन्हें ऐसे ही सेकना है। स्प्राउट्स को इस तरह से थोड़ा सा सेक लेने से ना चाट का भी स्वाद बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है चाट, थोड़े से और ज्यादा डाइजेस्टिव हो जाते हैं। आप चाहे तो स्प्राउट चाट बिल्कुल कच्चे स्प्राउट से बना सकते हैं। चना को सीखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मैंने चना को पहले ही डाल दिया था, और मूंग बहुत ही जल्दी सीख के तैयार हो जाता है, तो इसलिए मूंग को मैं थोड़ा सा बाद में डाली हूँ। अब सारी चीजों को हम मिक्स करके एक साथ ही सेक लेंगे। मैंने यहाँ पे स्प्राउट्स में चना और मूंग ही लिया है, लेकिन अगर आप चाहें तो और भी स्प्राउट्स ले सकते हैं। यहाँ पे इनकी अच्छे से सीक जाने की पहचान ये रहेगी कि आप एक दाना मुंह में डालेंगे ना तो बिल्कुल कच्चा नहीं लगेगा, और ऐसा नहीं है कि इस प्रोसेस में बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत ही जल्दी सीख जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल अच्छे से जो है चना और मूंग सीख चुके हैं, और इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कटोरी उबले हुए कॉर्न, इससे चाट का स्वाद और भी ज्यादा बढ़ जाता है। 1 मीडियम साइज प्याज बारीक कटा हुआ, 1 टमाटर बारीक कटा हुआ, और 1 हरी मिर्च, अगर ज्यादा तीखा खाते हैं तो 1/2 मिर्च और डाल सकते हैं, हरा धनिया पत्ती, थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे सारी चीजों को, 1/2 छोटे चम्मच नमक या आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, 1/4 चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, 1/4 चम्मच से भी कम ही है चाट मसाला, थोड़े से अनार के दाने भी डाल देते हैं, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा चाट में। अब सारी चीजों को फिर से एक बार मिक्स कर लेंगे। और यहीं पे आप चाहे तो इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो टेस्ट कर लेते हैं चाट को, बहुत ही लाजवाब बनी है, बहुत ही ज्यादा। एक बार आप इसे ट्राई करेंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि कितनी ज्यादा टेस्टी है ये स्प्राउट चाट, और हेल्दी तो है ही ये। अगर आपको ये स्प्राउट चाट की मजेदार सी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन पर क्लिक कर आल का बटन दबा लीजिए ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।